आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एक न्यूज़पेपर जो आता है उसमें कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिन पर आप निशान लगा सकते हो और इनको आप जो है पूरे दिन में अपडेट कर सकते हो। आपको याद रखना होगा शुरुआती दौर में आपको 1.5 घंटा समय देना है और इसके बाद धीरे धीरे इसको घटाते हुए 1 घंटे के अंदर लेकर आना है। और अगर जो मैथड मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ उस मैथड के माध्यम से आप जो है वो बिल्कुल ओरिएंटेड हो सकते हैं, फोकस हो सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। मैं आपके सामने आज 10 टॉपिक डिस्कस करूंगा जो आपको डेली अपने जो है न्यूज़पेपर में उसको आपको टिक करके रखना है और उसको अंडरलाइन करके रखना है। पहला जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट आता है वो होते हैं न्यायिक निर्णय, यानी जुडिशियल जो आपके जो रिव्यूज आ रहे हैं या जुडिशियल जो आपके जो डिसीजन हो रहे हैं वो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है। इसमें आपको दो कैटेगरी देखनी है ध्यान से। आपको सबसे पहले बात करनी है जो आपका सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस हैं, यानी कि जो आपका उच्चतम कोर्ट है, उसके बाद हाई कोर्ट के जो डिसीजंस आ रहे हैं उनको आपको जो है वो अपडेट करना है। अगर जैसा कोई डिसीजंस ऐसे आ रहे हैं, जैसे आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक के बारे में बात किया, तो वो डिसीजन क्या था, संविधान पीठ किसे कहते हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच किसे कहते हैं, वो किन दशाओं में जो है स्थापित की जा सकती है, कॉलेजियम क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस और सुप्रीम कोर्ट के स्ट्रक्चर को लेकर जो भी न्यूज आ रही है वो आपको लगातार अपडेट करनी है। इस बार भी आप लोगों ने देखा कि न्यायिक सक्रियता यानी जुडिशियल एक्टिविज्म पे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया गया था। इसी तरह हाई कोर्ट के जो निर्णय हैं बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, राज्यों के विषय में बहुत महत्वपूर्ण सेगमेंट होता है, तो वहां पर भी आप लगातार इसको अपडेट करेंगे। पहला आपको वो, सेकेंड जो होता है कि जो संसद के द्वारा प्रमुख विधेयक जो है, ठीक है, जो भी आपकी जो बिल्स हैं या इस तरह की चीजें हैं वो, अगर एक्ट कोई भी पास हो रहा है या अगर कोई कैबिनेट निर्णय ले रहा है यानी कैबिनेट कोई डिसीजन ले रही है, इसको आप तुरंत जो है वो वहां पर निशान लगाएंगे, कोडिंग करेंगे और उसको जो है आपको अपडेट करना है। सेकेंड आपका ये हो गया, यानी प्रमुख विधेयक जितने भी हो गए, जितने भी आपके एक्ट्स हो गए इंपॉर्टेंट, और जितने भी आपके कैबिनेट के डिसीजंस हो गए, ये आप जो है उस दिन न्यूज़पेपर में अपडेट करेंगे। थर्ड, बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट से रिलेटेड होता है, कोई भी रिपोर्ट आ रही है, ठीक है, तो रिपोर्ट और इंडेक्सेस यानी कि जो आपके सूचकांक होते हैं इनको आप अपडेट करोगे। मान लीजिए से कि भूख सूचकांक, हंगर इंडेक्स आया, तो आप सबसे पहले अपडेट करोगे ये किसका प्रकाशन है, ठीक है, कौन पब्लिश करता है इसे। सेकेंड स्टेज में आप देखोगे कि इसमें क्या क्या बातें कही गई हैं। थर्ड स्टेज में देखोगे भारत की रैंकिंग क्या है और जो इंडेक्सेस में जो वेरिएबल्स लिए गए हैं, जो इसमें जो है चर लिए गए हैं, वो कौन कौन से हैं, तो किस आधार पर जो है ये सेगमेंट रखा गया, या मानव विकास सूचकांक, तो मानव विकास सूचकांक में कौन कौन से जो है इंडेक्सेस जो है वो कैटेगरीज रखी जाती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थर्ड मैंने क्या बताया, रिपोर्ट एंड इंडेक्सेस, राइट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। फर्स्ट हुआ आपका जुडिशियल, इसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। सेकेंड आपका हुआ जो इंपॉर्टेंट जो है विधेयक हो गए, एक्ट जो हो गए इंपॉर्टेंट, या कैबिनेट डिसीजन हो गए। थर्ड मैंने क्या बताया, जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हो रही हैं और रिपोर्ट्स के साथ साथ कौन कौन से इंडेक्सेस हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा जो होता है, अगर कोई आयोग बन रहा है, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा पीटी में इस पे बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, जैसे अभी आप लोगों ने कस्तूरी रंगन रिपोर्ट के बारे में पढ़ा, या जो है आयोग जब बनाया गया उसके बारे में पढ़ा, मिहिर शाह कमेटी का जो है वो सेगमेंट बना, तो इसको लेकर जो है रंगराजन कमेटी, हमेशा जो है एक क्वेश्चन आपको कमेटी से मिलना ही मिलना है। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम यहाँ बात करेंगे तो आप जो है वो बहुत महत्वपूर्ण तरीके से इंपॉर्टेंट जो आपके कमीशन हैं, इंपॉर्टेंट कमेटीज हैं, और ये जो इनका फॉर्मेशन हो रहा है, किस सब्जेक्ट को लेकर हो रहा है, इसके बारे में आप लोग देख सकते हैं। जैसे 2 साल पहले जो पीटी में क्वेश्चन आया था कि हाल ही में गाडगिल समिति की रिपोर्ट जो है बड़ी चर्चा में रही, तो गाडगिल्स का संबंध किससे है, देखिए बिल्कुल जनरल क्वेश्चन होता है, वो आपसे आपकी अवेयरनेस चाहते हैं। तो ये आपने देखा कि पश्चिमी घाट पर जो है पर्यावरण का जो अवनयन हो रहा था उसके रिलेटेड एक जो है वो गाडगिल समिति का निर्माण किया गया था, तो आप जो है इसके बारे में जो है अपडेट करेंगे तुरंत के तुरंत। अब अगर हम बात करें नेशनल वे में आते हैं, नेशनल पॉलिटिक्स में या नेशनल जो करंट अफेयर्स है, तो नेशनल करंट अफेयर्स के केस में काफी बड़ा दायरा होता है। इसमें याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको जो है डील करना है, यूपीएससी जहां पर फोकस करता है वो डेवलपमेंटल और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट पे, यानी कि विकास और अवसंरचना से आधारित जो भी है डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो न्यूज आ रही है उसको साथ साथ अपडेट करते हुए चलना, चाहे सड़क निर्माण हो, चाहे विद्युत हो, या उससे संबंधित कोई योजना हो, या सरकार जो है पेयजल को लेकर आ रही है, स्वच्छता को लेकर आ रही है, ग्रामीण विकास को लेकर आ रही है, या कौशल विकास को लेकर आ रही है, गांव में जो रोजगार बढ़ाने के तरीके, शहरों में रोजगार बढ़ाने के तरीके, नवीकरणीय योजना को लेकर जो है, अगर कोई डेवलपमेंटल और इंफ्रास्ट्रक्चर न्यूज आ रही है उसको आप तुरंत के तुरंत अपडेट करें, बहुत महत्वपूर्ण होता है ये। इसके साथ साथ अगर हम बात करें इंटरनेशनल, अब अगर न्यूज़पेपर में आपको इंटरनेशनल जो है वो करंट अफेयर्स भी आपको अपडेट करना है, तो इंटरनेशनल में जो सबसे इजी और सबसे आसान आपके टारगेट में हो रहा है, अगर कहीं कोई सम्मेलन हो रहा है, G20, ब्रिक्स, SCO, कुछ भी हो रहा है, और स्पेशली उसमें अगर भारत शामिल है तो आपको उसको तुरंत अपडेट करना है, यानी जितनी भी आपके जो है कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं वो आपको अपडेट करना है।
सेकंड आपकी संधियां हो गई, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स हो रहे हैं देशों के बीच में, जैसे अमेरिका के साथ, रशिया के साथ, चाइना के साथ, कोई भी अगर हमारी एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, संधियां हो रही है, तो उसको आप अपडेट करेंगे, राइट। सेकेंड नेक्स्ट हो जाएगा, अगर कोई विवादित स्थान है, जैसे आप लगातार सुन रहे हो कि अभी गोलान हाइट्स क्वेश्चन आया था आपका, इसी प्रकार गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक, ये जो बार बार वर्ड यूज हो रहा है, एलेप्पो, इन वर्ड्स को जो है आप लगातार क्या करोगे, अपडेट करना शुरू करोगे। तुरंत आपको जहां भी कोई विवादित स्थल दिखाई पड़ा, आपने तुरंत उसको जो है अपडेट कर लिया, उसकी ज्योग्राफी को आपने तुरंत मैप उठाया और देखा ये क्या है, इसके फीचर्स इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे हरमुज जल संधि हो गई, मलक्का हो गया, मलक्का जो है वो आपका स्टेट हो गया, तो ये है कहाँ बेसिकली, और आप देखोगे क्वेश्चन सीधे सीधे यहाँ से आते हैं। इसके बाद वो सभी संबंध, जैसे मान लीजिए द्विपक्षीय या बहुपक्षीय अगर हम बात करें, बायलेटरल मल्टीलेटरल, इसमें इंडिया इन्वॉल्व हो, ठीक है, तो उनको जो है आप अपडेट करते रहेंगे, चाहे हम स्विट्जरलैंड से काले धन के लिए बात कर रहे हों, या अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज से बात कर रहे हैं, फिलिस्तीन को लेकर बातचीत कर रहे हैं, या कोई बहुपक्षीय, अभी आपने देखा कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत को लेकर एक क्वाड्रिलेटरल जो है वो सेगमेंट बनाने की कोशिश हो रही है, तो ये तुरंत आप उठाओगे और तुरंत उसको अपडेट कर लोगे, राइट। चलिए, ये छह टॉपिक हमारे हुए, सातवें टॉपिक पे आते हैं, जो सबसे इजीएस्ट होता है और सबसे ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है जितनी भी गवर्नमेंट पॉलिसीज और प्रोग्राम्स आ रहे हैं, यानी सरकारी योजनाएं और कार्यक्रम, सरकार ने कुछ भी लॉन्च किया, कभी कभी ये न्यूज के रूप में नहीं आता, ये एड के रूप में आता है, एड भी आप बड़े ध्यान से पढ़ोगे, जैसे प्रधानमंत्री फलाना योजना, ये उज्ज्वला योजना, तो आप उसमें जिसे आपने देखा होगा कि उसमें नीचे इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स लिखे होते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम इतने सिलेंडर देंगे, हम ऐसा जो है मदद पहुंचाएंगे, राज्यों में ऐसा किया जाएगा, तो आप तत्काल जो है, चाहे वो केंद्र सरकार की हो चाहे राज्य सरकार की, अब जैसे मध्य प्रदेश सरकार वनवासी योजना लॉन्च कर रही है, तो उसको तुरंत आप एड के रूप में आता है और तुरंत उसको आप जो है कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, तो जितनी गवर्नमेंट प्रोग्राम एंड पॉलिसी है वो रेगुलर इसके साथ चलेगा। तो ये हो गए हमारे सात सेगमेंट। आठवां सेगमेंट जो आपको अपडेट करना है वो इकोनॉमिक्स है, बहुत ही वेरिएबल टॉपिक है, बहुत इनडेप्थ की जो जरूरत पड़ेगी और कंटिन्यूटी की जरूरत पड़ती है, सततता की जरूरत पड़ती है, तो आर्थिक में बहुत बड़ा दायरा है, लेकिन मैं आपको बहुत प्रिसाइज कर रहा हूं कि हमें बेसिकली किस पर फोकस करना है और यूपीएससी हर साल कहां से क्वेश्चन पूछता है। इकोनॉमिक्स के टर्म में जाओगे तो सबसे पहले अगर बैंकिंग से रिलेटेड कोई न्यूज है, राइट, बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो बैंकों के विलय को लेकर हो, चाहे एनपीओ को लेकर हो, या सरकार द्वारा कोई जो है नीतियां लेकर आई बैंकों से रिलेटेड, तो बैंकिंग न्यूज सबसे पहले आप अपडेट करना शुरू करोगे, क्योंकि ये जो है वो लगभग हर साल, चाहे बैंक हो, चाहे रिजर्व बैंक हो, चाहे उनकी पॉलिसीज हो, रिजर्व बैंक के द्वारा कोई भी अगर इंपॉर्टेंट सेगमेंट भी लिया जा रहा है, इस बार भी अगर आपने पीटी में देखा होगा तो आपने देखा होगा रिजर्व बैंक में जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी बनाया गया, सीधे सीधे आपका क्वेश्चन आया हुआ था, तो ये क्वेश्चन आपको सीधे वहां से मिल जाएंगे। सेकंड, आपकी राजकोषीय नीतियां, जो गवर्नमेंट की जो सेगमेंट होता है यहाँ पर राजकोषीय नीति, फिस्कल पॉलिसी, तो फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी संबंधित जो न्यूज आ रही है उसको आप तत्काल जो है वो अपडेट करेंगे। इसके बाद अगर सरकार कोई भी आर्थिक सुधार कर रही है, बैंकिंग के बाद अगर कोई आर्थिक सुधार कर रही है, जैसे कि अभी जीएसटी एक आर्थिक सुधार है, आपने देखा इस बार पीटी में क्वेश्चन आया हुआ था, तो मेंस में भी क्वेश्चन आया हुआ था, तो जीएसटी को लेकर आ रही है या सरकार कल को कोई और भी नया सुधार लेकर आ रही है, सरकार कह रही है कि हम ऐसा कर देंगे या हम डिजिटल बैंकिंग को बढ़ाएंगे, तो आपने देखा होगा पूरे पेपर में जो है वो आर्थिक सुधारों से लेकर पूरी न्यूज भरी हुई थी। तो जो भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो रहे हैं, ठीक है, रिफॉर्म का मतलब है कि जो जहां पर था उससे आमूलचूल उसमें परिवर्तन, एक सडनली जो चेंज हो जाता है, दैट इज नोन एज इकोनॉमिक रिफॉर्म, यहां पर हम उसको रिफॉर्म का नाम देते हैं। तो इकोनॉमिक्स में जो परंपरा का सेगमेंट चलते चले आ रहे थे उसको बदल कर हम कुछ नया लेकर आ रहे हैं, तो दैट इज नोन एज रिफॉर्म्स। तो यहां इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जितने भी होंगे आप उसको तुरंत आप कॉपी में नोट डाउन करेंगे। इसके साथ साथ जो फाइनेंस को लेकर कोई भी खबर है, वित्त को लेकर कोई खबर है कि वित्त को लेकर क्या खबर आ रही है, या इससे रिलेटेड जो है सेगमेंट, या हमारा व्यापार है इसको लेकर कोई सेगमेंट, इसको आप तुरंत करेंगे। और एक जो लगातार मैं देखता हूं कि न्यूज़पेपर में खबरें आती हैं वो होती है निवेश को लेकर, ठीक है, यानी आपके इन्वेस्टमेंट को लेकर, तो सरकार कई क्षेत्रों में या तो निवेश कर रही होती है या विनिवेश कर रही होती है। आपने देखा कि एयर इंडिया में जो विनिवेश है वो काफी चर्चा में रहा और एग्जाम में भी आ गया मेंस में, तो आप यहां पर देखोगे कि जो आप चाहे निवेश सरकार कई क्षेत्रों को खोलती चली जा रही है ताकि जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ सके, ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लेकर आ रही है ताकि वो और ज्यादा जो है काम करना इस देश में आसान हो। इसी तरह जो सेगमेंट्स होते हैं वो आपको लगातार अपडेट करने पड़ेंगे। तो निवेश हो गया, और इसके साथ साथ कॉर्पोरेट को लेकर, कॉर्पोरेट चाहे कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग को लेकर, चाहे कॉर्पोरेट के जो वर्किंग कल्चर को लेकर है, या कॉर्पोरेट में अगर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सीएसआर जो आपके सिलेबस में है उसको लेकर, यानी कॉर्पोरेट भी जो है समाज के लिए क्या कर सकता है, तो इससे संबंधित अगर कोई न्यूज आ रही है तो आप उसको तुरंत क्या करेंगे, अपडेट करना शुरू कर देंगे। चलिए, ये हो गए हमारे आठ, राइट। अब हम आते हैं नाइन्थ पे, यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी। स्पेशली अगर मैं हिंदू की बात करूं तो संडे को आपने देखा होगा एक बहुत ही ब्रॉड सेक्शन वो कवर करते हैं, ये तमाम और भी मैगजीन है, द नेचर हो गया, या साइंस रिपोर्टर हो गया, विज्ञान प्रगति हो गया, ये सभी जो है वो डेडिकेटली इसको कवर करते हैं।
तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपको क्या क्या पढ़ना है ये मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा सेक्शन होता है और खासतौर पे जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट है वो बड़ा फियर करते हैं इसमें, लेकिन कवर तो इसको बहुत करना है क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन जो हो रहे हैं अब वो टेक्नोलॉजी बेस आ रहे हैं। तो चलिए मैं आपको वो स्पेसिफाई कर देता हूँ कि क्या क्या चीज में आपको कवर करनी है, आप इसको नोट डाउन भी करेंगे और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो सेक्शन है उसको आप कवर करेंगे। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है स्पेस टेक्नोलॉजी, यानी कि अंतरिक्ष से संबंधित जो विज्ञान है उसको आप कवर करेंगे। आपने देखा होगा पीटी में भी इस बार दो क्वेश्चन सीधे सीधे आए हुए थे और मेंस में भी क्वेश्चन रहता है हमेशा। तो साइंस टेक्नोलॉजी को लेकर, स्पेस टेक्नोलॉजी को लेकर, चाहे वो ब्रह्मांड की खोज को लेकर हो, सर्न में जो प्रयोगशाला चल रही है, या इसरो चूंकि बहुत अच्छा काम कर रहा है इस समय, तो इसरो अगर कोई प्रक्षेपास लॉन्च कर रहा है या कुछ भी ऐसा कर रहा है तो आप उसको तुरंत तुरंत अपडेट करना शुरू करें। तो फर्स्ट वन इज स्पेस टेक्नोलॉजी। सेकेंड अगर हम बात करेंगे तो चिकित्सा, यानी कि जो मेडिसिन टेक्नोलॉजी है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंस में तो खैर क्वेश्चन यहां से आना ही आना है, चाहे वो कैंसर को लेकर हो, चाहे स्टेम सेल को लेकर हो, चाहे वो किसी लाइलाज बीमारी की अगर हम बात करें तो उसको लेकर हो। तो जो नई नई प्रौद्योगिकियां आ रही है, जो टेक्नोलॉजीज आ रही है उसको जो है अपडेट करोगे, नेक्स्ट में है जिसे बोलते हैं चिकित्सा प्रौद्योगिकी। थर्ड वन नैनो टेक्नोलॉजी, माना जा रहा है कि आने वाला पूरा समय जो है ये नैनो टेक्नोलॉजी का समय होगा। आपने देखा ग्राफीन पे भी क्वेश्चन आ चुका था, इस बार भी इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो जो ग्राफीन, जो नैनो टेक्नोलॉजी है वो माना जा रहा है कि आने वाले समय में इंसान की पूरी जिंदगी को बदल देगा और हमारा विज्ञान जो है वो क्रिटिकल हो जाएगा, मतलब हम बहुत ज्यादा चेंज अपने अंदर कर सकेंगे। तो नैनो टेक्नोलॉजी से संबंधित जो भी खबरें आ रही है उसको आप अपडेट करेंगे। इसके बाद आपका होता है आनुवंशिक, यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग। दुनिया में इस पे बहुत ज्यादा काम हो रहा है, बहुत ज्यादा पैसा इन्फ्यूज किया जा रहा है, चाहे वो जीनोम की बात करें, चाहे अगर हम उसमें हम कोई अल्टरेशन की बात करें, चाहे क्लोनिंग की बात करें, ये सभी कुछ आनुवंशिक से संबंधित है। और आप जानते हैं कि जीएम क्रॉप्स लगातार 3 साल जो है आईएस प्री में और मेंस में भी पूछा गया, तो ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होते हैं, जीएम क्रॉप्स होते हैं, ये सभी उसी का हिस्सा है, आनुवंशिक हो गया। नेक्स्ट वन डिफेंस टेक्नोलॉजी, ठीक है, भारत एक अंगड़ाई ले रहा है, एक बहुत उसका रक्षा बजट बढ़ता चला जा रहा है, तो ऐसे में और बार बार वो ये कह रहा है कि हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर चाहिए, हम खुद से अपने दम पर बनाना चाहते हैं। जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है, जैसे मान लीजिए तेजस हो गया, या भी आपने कोई पनडुब्बी आपने उसमें डाली, या कोई नया भारत ने इंडिजीनियस कोई वायुयान की खोज की या बनाया उसको, या कोई अपना प्रक्षेपास्त्र बनाया, ये सभी कुछ डिफेंस में आता है। तो डिफेंस आप तुरंत क्या करेंगे, उसको अपडेट करेंगे। एंड द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज हेल्थ। जहां पर भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी हेल्थ में इन्वॉल्व है, जैसे डेंगू का कोई टीका खोज लिया गया, इंसेफ्लाइटिस का कोई टीका खोज लिया गया, आपने देखा हमारे स्वास्थ्य की हालत बहुत खराब है, टीबी आप जानते ही कि टीबी को लेकर हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, एड्स हो गया, इबोला हो गया, तो ये जो आपका हेल्थ सेनेरियो है, ये हेल्थ सेनेरियो आपको कवर करना बहुत जरूरी है, यानी यहाँ स्वास्थ्य को लेकर आप बातचीत काफी करेंगे। तो यहाँ पर जो भी खबरें आ रही है उसको आप तत्काल के तत्काल क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। तो ये रहा आपका नवा सेक्शन, यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब हम बात करेंगे 10th, अगर टाइम मिलता है तो, ठीक है, जो भी खेल में इंपॉर्टेंट खेल, अब ऐसा नहीं केवल आप क्रिकेट पसंद करते हैं तो क्रिकेट, जो भी आपकी जो है वो ऐसे खेल जिसमें भारत अभी उभरने की कोशिश कर रहा है, बैडमिंटन, टेनिस, ठीक है, कबड्डी, या अभी आपने देखा कुश्ती, बॉक्सिंग, ये सब जो खेल हैं जिसमें हम जो है उभर कर आ रहे हैं और महिलाएं भी इसमें बहुत ज्यादा जो है वो आगे बढ़े, जैसे मैरी कॉम देखते हैं तो बॉक्सिंग लीजेंड के रूप में मानी जाती हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप जो है वो खेल से संबंधित खबरों को अपडेट करेंगे। कोई पुरस्कार मिला जिससे कहते हैं कि भारत को उसमें बहुत जो है वो आगे बढ़ने का मौका मिला, उसको अपडेट करेंगे। या कोई अपॉइंटमेंट हुआ किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर या कोई बहुत महत्वपूर्ण पद पर, तो वो नियुक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। या कोई इमिनेंट पर्सनालिटी जिनकी डेथ हुई है, वो किस खेल से संबंधित थे या किस क्षेत्र से संबंधित थे, इनके बारे में आप जो है अपडेट करेंगे। और इनके विषय में आपको 2 से 3 पॉइंट्स अपनी कॉपी में डेली लिखने, डेली लिखने, ठीक है, आपने 2 से 3 पॉइंट लिख लिए, हाँ इसके बारे में ये है, इसके बारे में ये है, इसके महत्वपूर्ण सेगमेंट ये होते हैं, ताकि आने वाले समय पे आपको न्यूज़पेपर पे बार बार ना जाना पड़े, आप उस पर जो है बार बार अपने आप को रिवाइव करते रहें।